हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, बेसिक डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में सेट्स चैप्टर के। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। तो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या है कि इसमें से कुछ उन्होंने पार्ट्स दिए हैं, कुछ उन्होंने सेंटेंस दिए हैं जिसमें से आपको बताना है कि ये सेट्स हैं या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। जो आपके पास मंथ्स की कलेक्शन, यानी कि आपके पास एक साल में जो मंथ्स की कलेक्शन है उसमें जो आपके पास स्टार्ट होता है, फर्स्ट लेटर जो स्टार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट मंथ का फर्स्ट लेटर आपके पास जे से स्टार्ट होता है, तो ये सही है या नहीं। हाँ ये सही है, आपके पास ये क्या है सेट है। सेकेंड आपके पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंट राइटर्स इन इंडिया। आपके पास क्या है, उनकी कलेक्शन जो आपके पास मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया में, तो ये तो आपके पास कोई बन नहीं सकती, तो ये आपके पास क्या है, नो ये सेट आपके पास नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि किसकी टीम 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की वर्ल्ड में, तो ये भी आपके पास सेट नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है आपके पास, नो। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, जो आपके पास क्या है एक क्लास में सभी बॉयज की कलेक्शन, ये आपके पास सेट बन सकता है, तो ये आएगा आपके पास यस। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये भी आपके पास क्या हो सकता है, ये सेट्स है, क्योंकि इसमें क्या है आपके पास कलेक्शन किसकी है, नेचुरल नंबर की, जो क्या 100 से आपके पास लेस है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, किसकी कलेक्शन आपके पास इवन इंटीजर की, तो ये भी आपके पास क्या है यस। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है आपके वर्ल्ड में उनकी कलेक्शन, तो ये भी आपके पास सेट नहीं बनता। अ कलेक्शन ऑफ नॉवल्स रिटन बाय मुनीश प्रेमचंद, जो मुनीश प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जो नॉवल्स है उनकी कलेक्शन, वो भी आपके पास क्या है एक सेट है। सेकेंड आपके पास क्या है कि इफ ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एक सेट दे रखे आपको, तो उन्होंने बोला है कि जो आपको ये ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं ये बिलोंग करते हैं या नहीं करते। तो जो आपके पास जो 5 है, 5 आपका ए से बिलोंग कर रहा है, मैंने आपको कल बिलोंग्स टू की आपको बताया था कि जो बिलोंग करे, यानी कि जो एलिमेंट आपके पास हो, यानी कि 5 आपके पास जो एलिमेंट है वो, यानी कि जो 5 एलिमेंट है वो मेंबर है किसका, ए का, तो ये क्या करेगा 5 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड है -4 बिलोंग्स टू ए, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास -4 नहीं है सेट में। 8 बिलोंग्स टू ए, नो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 8 आपके पास नहीं आता। 4 बिलोंग्स टू ए, यस 4 बिलोंग्स टू ए। 0 बिलोंग्स टू ए, नो 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। 10 बिलोंग्स टू ए, नो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या है आपके पास ये चीज बतानी थी कि जो एलिमेंट आपके पास है वो ए सेट में है या नहीं है, तो आपने ये बता दिया कि ए सेट में है या नहीं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्या करना है, फॉलोइंग सेट बताने हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपके पास क्या है 2, 4, 6, 8, मैं आपको एक दो इसमें से बताऊंगी, बाकी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। देखो आपके पास क्या है कि 2, 4, 6, 8 ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे बना सकते हो, देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आपके पास क्या है 2, 4, 6 एंड 8, आपके पास ये दे रखा है एंड अप टू सो ऑन सेट दे रखा है। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म आपकी कैसे बनती थी, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपके पास क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है कि, यानी कि जो x है आपके पास वो किसके इक्वल है 2n के। n आपके पास नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, यानी कि 2 into 1, 2, 2 into 2, 4 एंड अप टू सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, आप नेचुरल नंबर लगाते जाओगे। देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है 6, 10, 14, 18, आपके पास ये क्या है, आपके पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6, 10, 14, 18। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू 4n+2, जो आपका n है वो लेस देन होगा 4 से, लेस देन और इक्वल टू 4 एंड x n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो
क्यों? क्योंकि देखो, फोर में अगर आप वन पुट करते हो तो आपके पास टू नेचुरल नंबर, आपके पास जो एन है वो फोर से लेस होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए फोर के। फोर प्लस टू आपके पास क्या आ जाएगा? सिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट आप अगर फोर में टू पुट करते हो तो आपके पास फोर टू जो एट, एट प्लस टू आपके पास क्या आ जाएगा? टेन। देन आप क्या फोर में फोर थ्री पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फोर थ्री ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन। एंड फोर को फोर पुट करोगे, सॉरी एन को फोर पुट करोगे देन आप क्या आ जाएगा? फोर फोर सिक्सटीन प्लस टू एटीन। तो आपके पास वही बन गए ना, सिक्स टेन फोर्टीन एंड एटीन। तो ये थी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल ऐसे ही कर सकते हो। आपके पास फोर्थ सम है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि जो आपके पास जितने एलिमेंट्स दिए हैं फॉलोइंग सेट्स में, आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो देखो आपके पास क्या है कि ए आपके पास क्या है, नॉर्मल आप इसको सेट फॉर्म में बनाओ। जैसे आपने क्या किया, पहले सेट से सेट बिल्डर फॉर्म बनाई थी, अब आपको क्या करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म से सेट बनाना है। तो कैसे बनाओगे? ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, आपके पास ये है। तो आप इसका सेट कैसे बना सकते हो? देखो मैं आपको सेट बना के दिखाती हूँ कि ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे बना सकते हो आप? ऑड नेचुरल नंबर का सेट आपके पास क्या होगा? वन थ्री फाइव फिफ्टीन, ये आपके पास क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर का सेट होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि b इज इक्वल्स टू x x इज एन इंटीजर एंड x के लेस देन फोर, आपके पास ये है कि जो x है x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है आपके पास? एक इंटीजर है x के लेस देन फोर, आपके पास ये दे रखा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि x क्या है? आपके पास कोई इंटीजर है और x स्क्वायर लेस देन 4 आएगा आपके पास। तो आपके पास क्या आ सकता है? x स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस आपके पास 1, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस आपके पास 3, प्लस 1 यही हो सकता है आपके पास, क्योंकि 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आएगा। तो x आपके पास कोई इंटीजर होना चाहिए, आप यहाँ 2 तक भी ले सकते हो, इसको आगे आप जाओ ही मत, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या, आपको एलिमेंट्स की लिस्ट बनाने की सेट बनाना है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर 30 और 45 के, आपके पास कॉमन फैक्टर पॉजिटिव इंटीजर का आपको सेट बनाना है। तो देखो 30 और 45 के आपके पास कॉमन फैक्टर क्या होंगे, आप एलसीएम लेके देख सकते हो। आप एलसीएम लेके देखोगे 2 15 5 3 3 1, आपके पास ये होगा। 45 का बनाओगे आप, क्या बनेगा आपके पास? 5 9 3 3 एंड 1, यही होंगे आपके पास। तो क्या होंगे वो? 1 3 5, आपके पास ये सब क्या होंगे? आपके पास कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम विच आर इवन। तो आपके पास ऐसा कौन से प्राइम नंबर हैं जिसमें आपके पास इवन हो? अब आप स्टार्टिंग से लेकर चलो, आपके पास लिस्ट प्राइम नंबर ही आपके पास क्या होता है? 2 होता है। तो सेट किसका बनेगा? 2 का। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हो। सिक्स आपके पास क्या है? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि आपके पास ये मैच करना है रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो आपके पास क्या है, 1 2 3 6 आपके पास प्राइम नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6 है और नेचुरल नंबर लेस देन 10 है। ये नेचुरल नंबर आपके पास क्या है? डिविजर ऑफ 6 है। तो आपके पास 1 2 3 6 आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर है आपके पास और ये क्या है? 6 से डिविजर है। तो इसी तरह से आप ये मैच कर सकते हो, इजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सेट आर नल सेट। एग्जामिन करो कि जो आपके पास ये जो सेट्स दे रखे हैं वो आपके पास क्या है? नल सेट्स हैं। नल सेट्स के लिए आप देखो कैसे होगा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो जितने आपके पास ऑड नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं? डिविजिबल होंगे 2 से। तो ये आपके पास क्या आएगा? 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें आपके पास कोई भी ऐसा सेट नहीं होता ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। x आपके पास नेचुरल नंबर है जो क्या है, लेस जो x जो है लेस देन तो 5 है और ग्रेटर देन आपसे 7 है, यानी कि 5 और 7 के बीच में है। आपके पास ऐसे है कि जो x है वो क्या है आपके पास 7 से ग्रेटर है,
इसके बीच में आपके पास जितने नंबर आएंगे वो आपके पास नेचुरल नंबर है या नहीं। तो हाँ, इसमें आपके पास जो नेचुरल नंबर आएंगे लेस देन फाइव 1 2 3 4 आपके पास सभी नेचुरल नंबर हैं, और ग्रेटर सॉरी लेस देन 7 से लेस देन 6 तक जितने भी आपके पास आएंगे सभी आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है। सो ऐसे आपका नेक्स्ट पार्ट भी हो जाएगा। कि नेक्स्ट आपके पास क्या है कि 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट, यानी कि जितने आपके पास सेट्स दे रखे हैं क्या वो नल सेट्स हैं, और वाई। ए इज इक्वल्स टू जीरो, सेट हैविंग जीरो एंड इट्स ओनली एलिमेंट। तो ए में आपके पास जीरो एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये नल सेट है या नहीं है। नो, इट इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि जीरो क्या होता है, आपके पास एक एलिमेंट होता है, जीरो आपके पास नल नहीं होता। उसके बाद आपके पास क्या है, तो आपके पास ये जो आपको सेट दिया है ये नल सेट है या नहीं है। तो ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आपके पास है। नल सेट आपके पास क्या होता है, जब आपके पास क्या हो, कुछ भी ना हो आपके पास सेट के अंदर, अगर आपके पास इवन जीरो भी है तो भी आपके पास नल सेट नहीं है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन 9, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने हैं। फाइनाइट आपके पास कब होते हैं, जब आपके पास कोई फाइनाइट वैल्यू दे रखी हो। इनफाइनाइट तब होते हैं जब आपके पास इन्फिनिटी तक जा रहा हो, कोई आपके पास फाइनाइट वैल्यू ना दे रखी हो। देखो, फर्स्ट सेट आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि क्या है उसमें एक साल में आपके पास कितने 12 ही मंथ्स होते हैं, 12 ही महीने होते हैं। अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, जो आपके पास सेट है पॉजिटिव इंटीजर का वो 100 से ग्रेटर है, ये आपके पास क्या है, इन्फिनिटी सेट है, क्योंकि उन्होंने बोला ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा कहीं तक भी आपके पास जा सकता है वो। तो इस तरह से आपके फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 10th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी ओर नॉट, कि ए किसके बी के इक्वल है या नहीं है। तो देखो, ए आपके पास क्या है 4, 8, 12 and 16, और आपके पास बी क्या है 8, 4, 16 and 18। तो इसमें से आपको ये बताना है कि ए बी के इक्वल है या नहीं है। अब देखो, ए के सभी एलिमेंट्स बी में है या नहीं है। 4 आपके पास ए में है, बी में है, 8 आपके पास ए में है, बी में है, 12 आपके पास ए में है लेकिन बी में नहीं है, 16 आपके पास ए में है, बी में नहीं है, 16 आपके पास ए में है, बी में भी है, लेकिन आपके पास क्या है, बी में आपके पास 2 बार 8 दिया है, और यहाँ पे आपके पास 12 जो ए सेट में है वो बी में नहीं है। तो ए क्या है, बी के इक्वल नहीं है, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। सेकंड आपके पास क्या है कि 2, 4, 6, 8, 10 आपको दिया हुआ, और बी आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर एक्स सच दैट, बिल्डर फॉर्म में दिया सेट आपको, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, यानी कि 10 से लेस देन और इक्वल टू 10 आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। तो यानी कि बी आपके पास क्या है, इवन इंटीजर्स का सेट है, और ए भी आपके पास क्या है, इवन इंटीजर्स का सेट है। तो ये क्या है, ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। सिमिलरली आपके बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो आगे आपके पास 11th क्वेश्चन क्या है, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स है या नहीं है। जो आपके पास ए बी सी है, ए सी ए बी ए, बी ए सी बी, सी ए बी सी सी, ये आपके पास सेट्स इक्वल हैं या नहीं है। अब देखो, आपके पास फर्स्ट सेट है ए बी सी, ए बी सी है आपके पास, ए बी और सी आपके पास, ये तीन एलिमेंट्स हैं एक सेट में। दूसरे सेट में आपके पास क्या है, सी ए बी ए आपके पास दूसरे में ये एलिमेंट्स है, देन आपके पास क्या है, बी ए सी बी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, सी ए बी सी और सी आपके पास, ये दे रखे हैं, ये चार सेट दिए हैं आपको, इन चार सेट में ये बताने कि इक्वल है या नहीं। तो देखो, फर्स्ट का जो एलिमेंट है वो सेकंड में है, सेकंड में है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। फर्स्ट का जो एलिमेंट बी है वो सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, और जो सी एलिमेंट है वो भी क्या है, आपके पास सेकंड में है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। ये नहीं देखना आपको कि कितने क्वांटिटी में है, कितने बार दिया हुआ है, कितने बार रिपीट हो रहा है, बस आपको ये देखना है कि आपके पास क्या है, कि जो हर एलिमेंट जो ए सेट में यानी फर्स्ट सेट में है वो बाकी में है या नहीं। तो ये सेट्स आपके पास क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि सेकेंड 1, 2, 3 सच दैट एक्स, सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3, 2, 1 x³ - 6x² + 11x - 6 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वल है या नहीं। अब देखो, आपके पास जो राइट हैंड साइड में है,
देखो जो आपके पास 1 2 3 है और 3 2 1 है आपके पास, ये तो आपके पास क्या है, इक्वल है, क्योंकि हर एलिमेंट 1 2 3 आपके पास 3 2 1 में भी है। और आपके पास जो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और आपके पास जो ये है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x, अब ये इक्वल है या नहीं है, ये भी आपके पास इक्वल है, क्योंकि आपके पास जब 1 इक्वल है, 2 इक्वल है, 3 इक्वल है, तो आपके पास 3 to 1 के इक्वल है, तो ये आपस में क्या है, आपके पास इक्वल सेट्स हैं। सो 11 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, 11 क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज क्या हुई, कंप्लीट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन, एंड फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज मस्ट वॉच माई नेक्स्ट वीडियो।